कंपनी क्या होता है, ठीक है? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। यानी कंपनी उसको कहते हैं जो इस एक्ट के अंतर्गत अंडर दिस एक्ट रजिस्टर्ड हुआ हो या किसी प्रीवियस लॉ में, जैसे 1956 ओल्ड क्या चल रहा था हमारा कंपनी एक्ट 1956। अगर कोई कंपनी 1956 में भी रजिस्टर्ड हुई है तो उस कंपनी को भी हम इसके अंदर कंपनी ले लेंगे, ठीक है? तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। अब हम पता करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ अ कंपनी क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन यानी किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, क्रिएटेड बाय लॉ यानी कोई भी कंपनी जो है वो लॉ के अंतर्गत ही क्रिएट होगा, है ना? जैसे प्रोपराइटरशिप आप कोई लॉ में नहीं करते, पार्टनरशिप मैंडेटरी नहीं है, बट कंपनी जो है वो आपको कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करा करके ही काम करना पड़ेगा। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है कि ये जो एंटिटी है वो शेयर होल्डर से अलग होता है, ठीक है? शेयर होल्डर क्या होता है? शेयर होल्डर होता है जो इस कंपनी के शेयर को परचेज करता है, ठीक है? उसको बोलते हैं शेयर होल्डर, यानी वो ओनर है। तो ओनर से जो कंपनी है वो सेपरेट होता है, ठीक है? लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम ओनर, कंपनी अलग एंड शेयर होल्डर अलग, ठीक है? अब पढ़ते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे हम आप हो गए, और आर्टिफिशियल पर्सन हो गया जिसको हमने बनाया है। जैसे आर्टिफिशियल पर्सन में पार्टनरशिप बनाते हैं, ठीक है? उसी तरह इस ओन प्रॉपर्टी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है यानी ये अलग पर्सन है, तो ये अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकता है, यानी आप कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट यानी कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ठीक है? अब पढ़ते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है हिंदी में उत्तराधिकारी। जिस तरह कि किसी व्यक्ति के चले जाने के बाद उसके उत्तराधिकारी उसकी प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक उसी तरह कंपनी में भी अगर उसका शेयर होल्डर डेथ कर जाए, डिजॉल्व हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि वो कंपनी फिर भी चलती रहती है, कि अगर शेयर होल्डर उसमें से निकलना चाहे तो वो निकल के दूसरे को शेयर ट्रांसफर कर देता है। ये लिस्टेड कंपनी में हम इसको ज्यादातर देखते हैं, यानी नॉट अफेक्टेड बाय शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर से कंपनी अफेक्ट नहीं होता है। अब पढ़ते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी यानी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है वो तीन टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। एक होता है लिमिटेड बाय शेयर, यानी जितना शेयर जिसके पास है उसके अकॉर्डिंग एक होता है। दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी, यानी अगर किसी ने गारंटी दिया है तो लिमिटेड बाय गारंटी। थर्ड आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इस केस में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी में इसमें लिमिटेड नहीं होती है, इसमें अनलिमिटेड हो जाता है, ठीक है? जनरली कंपनियां लिमिटेड बाय शेयर होता है, जितना उसके पास शेयर है वो उतने का ही अपनी लायबिलिटी है, ठीक है? अगला है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब होता है एक दूसरे को ट्रांसफर करना, ठीक है? फ्रीली ऑफ लिस्टेड कंपनी, यानी जो लिस्टेड कंपनी होती है जैसे रिलायंस हो गया, है ना, इस टाइप की टाटा का हो गया, इन शेयरों को आप इजिली ट्रांसफर करते हैं। नॉर्मली हम खरीदते भी हैं क्योंकि वो लिस्टेड है तो वो ट्रांसफर इजिली कर सकते हैं। बट अनलिस्टेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA का फुल फॉर्म है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके अंतर्गत ट्रांसफर करते हैं। चलिए अब होता है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। क्या होता है मैनेजमेंट और क्या होता है ओनरशिप? मैनेजमेंट होता है किसी चीज को मैनेज करना, ओनरशिप होता है किसी का मालिक होना। तो मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टर, मेंबर जो होते हैं यानी शेयर होल्डर जो होते हैं वो डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं और डायरेक्टर उसके मैनेजमेंट होते हैं। यानी चाहे तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर एक ही हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड केसेस में, नहीं तो अलग भी हो सकता है, यानी शेयर होल्डर कोई और होगा और वो डायरेक्टर कोई और होगा। यानी डायरेक्टर काम करेगा वो होता है मैनेजमेंट मैनेजर, और शेयर होल्डर मालिक है। यानी मैं शेयर होल्डर हो सकता हूं, मैं डायरेक्टर किसी और को अपॉइंट करके अपनी कंपनी को चलाने के लिए अपॉइंट कर सकता हूं, या मैं खुद भी डायरेक्टर बनकर अपॉइंट कर सकता हूं, ठीक है? लास्ट है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कि जिस तरह हम लोग किसी चीज का सिग्नेचर करते हैं तो कंपनी कैसे सिग्नेचर करेगी? तो चूंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है यानी वो डिफरेंट है पर्सन से, तो वो कैसे सिग्नेचर करेगी, उसके लिए कॉमन सील होता है, ठीक है? एक स्टैम्प की तरह होता है, लोहे का होता है, अफिक्स्ड टू ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। जहां जहां कंपनी के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां वहां कॉमन सील के थ्रू जो है हम उसको साइन करते हैं, ठीक है? अब
नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी एंड टाइप्स ऑफ कंपनी. ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.